आपका फोटो क्लॉक वॉल्ट एप्लीकेशन से डिलीट हो चुका है। अगर आप अपने मोबाइल का फोटो को छुपाने के लिए क्लॉक वॉल्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे और आपका फोटो इस एप्लीकेशन से डिलीट हो चुका है या आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया है जिसके कारण से आपका सभी फोटो डिलीट हो चुका है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने क्लॉक वॉल्ट से डिलीट सभी फोटो को रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो क्लॉक वॉल्ट से डिलीट सभी फोटो को रिकवर करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है डिस्क डिगर। डिस्क डिगर सर्च करने के बाद आपको इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट बेसिक फोटो सर्च का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के साथ ही आपके क्लॉक वॉल्ट से जितने भी फोटो डिलीट हुए होंगे सभी को स्कैन करेगा। अगर आपके क्लॉक वॉल्ट से ज़्यादा फोटो डिलीट हुए होंगे तो स्कैन करने में यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, तो आप स्कैन कंप्लीट होने तक वेट कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर स्कैन कंप्लीट हो चुका है, तो ओके करते हैं। और ओके करने के बाद मेरे क्लॉक वॉल्ट से जितने भी फ़ोटो डिलीट हुए थे यहाँ पर सभी शो हो रहा है। तो हमें इस फोटो को रिकवर करना है, इस फोटो को वापस लाना है। तो फोटो को रिकवर करने के लिए आप जिस फोटो को रिकवर करना चाहते हैं उसके बॉक्स पर क्लिक करके आप उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सभी फ़ोटो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर आपको थ्री डॉट मिलेगा, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहां से आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के साथ ही आपका सभी फ़ोटो यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे रिकवर मिलेगा, तो आपको रिकवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद इस बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप सभी फ़ोटो को रिकवर करेंगे। यहाँ पर ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करके आप जो भी फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम DCAM फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेलेक्ट मिलेगा, तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के साथ ही आपका सभी फ़ोटो आपके मोबाइल के गैलरी में या आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर के DCAM फाइल में रिकवर हो जाएगा।